नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्म कारक लगन, कर्म कारक राशि, मकर लगन, मकर राशि। मकर लगन मकर राशि पे जो ग्रहों की गोचरी स्थिति है, खासकर अक्टूबर माह में कैसे जाएगी, कहाँ से मिलेगा आपको प्यार, कहाँ से मिलेगा स्नेह, कहाँ से चीज़ें सही कनेक्ट होंगी, कहाँ से डिसकनेक्ट होंगी, स्वास्थ्य, धन संपदा, परिवार, कुटुंब, प्रेम, भाग्य, कर्मा, लाभ और अंत में खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो टू द पॉइंट सारी चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, तो लाइक करना वरना डिसलाइक कर देना। शनिदेव आपके कुंडली में आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, लेकिन कारकत्व तो चूंकि लगन का चल रहा है इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धनात्मक दृष्टिकोण से भी माह बेहतर जाएगा क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में ही बैठे हुए हैं और सेकंड हाउस में बैठ के लगन का प्रभाव दे रहे हैं, साथ में अभी मंगल के नक्षत्र पे प्रभाव दे रहे हैं, तो यहाँ पे बेहतर परिणाम आपको मिलेगा, बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शनिदेव जब तक आपके सेकंड हाउस में रहेंगे धनात्मक दृष्टिकोण से आप धीरे धीरे मजबूत ही होते जाएंगे, धन का स्वामी धन के घर में श्रेष्ठ स्थिति है, तो अक्टूबर का माह भी धन के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ जाएगा। आपके कुंडली में शनि महाराज के साथ साथ मंगल महाराज लाभ के स्वामी, किसके स्वामी है, लाभ के स्वामी है। अब लाभ का स्वामी कर्म के घर में 3 अक्टूबर से प्रवेश, बढ़िया है। जो भी आप काम कर रहे हैं ना उस काम का लाभ मिलेगा, लाभ खुद चल के आपके कर्म प्लेस पे आएगा, कर्म स्थान पे आएगा। पैसा भाई इसको बोलते हैं ना, पैसा खुद चल के हमारे पास आ रहा है, तो पैसा इस समय आपके पास ही चल के आ रहा है, आप ऐसा काम ही आप हाथ में लेंगे जिससे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो मंगल महाराज की जो गोचरी स्थिति तुला राशि में बन रही है 3 अक्टूबर से, स्टार्टिंग में चित्रा नक्षत्र में चलेंगे, बेहतर परिणाम देंगे। स्वाति में चलेंगे, पिता से संबंधों को बना के रखिएगा, और जब विशाखा में जाएंगे तो भाइयों से संबंध बना के रखना, खराब मत करना, लपकाया आपको लाभ होगा क्योंकि लाभ का स्वामी कर्म के घर में गोचर कर रहा है, तो लाभ तो बनता है मित्र। आपके कुंडली में दूसरे जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो शुक्र महाराज, शुक्र महाराज आपके कर्मा के स्वामी हैं, शुक्र महाराज आपके पंचमेश हैं, तो कर्म ही तो है जो हमें हमारी पहचान कराता है, कर्म ही तो है जो संसार में परिचय कराता है, तो कर्म का स्वामी 2 अक्टूबर से सिंह राशि में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कर्म का स्वामी सिंह राशि में जा रहा मतलब अष्टम भाव में, प्रेम का स्वामी अपने से चतुर्थ है, कर्मा का स्वामी अपने से एकादश किंतु अष्टम भाव में। तो अगर दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं, कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं, तो लंबी यात्रा के अवसर आपको प्राप्त होंगे। शुक्र का सेकंड हाउस में मतलब सप्तम भाव से सेकंड हाउस में जाना जीवन साथी के वाणी पे सकारात्मक असर डालेगा, अच्छा रहेगा, ससुराल से संबंध भी बेहतर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जहाँ काम करते हैं ना उस काम के सिलसिले में या नया काम खोजने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, काम के लिए आपको दूर जाना ही पड़ेगा ऐसी आपकी कुंडली बता रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी काम के लिए बाहर निकलता है तो वर्क प्लेस के लिए दूर देश की यात्रा दूर जाना पड़ सकता है, ऐसी कुंडली आपकी बता रही है। बुध महाराज आपके कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं और बुध स्वग्रही हो रहे हैं, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य के घर में ही गोचर कर रहा है, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। भाग्य मुपलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, तो भाग्य डेफिनेटली आपका इस माह सपोर्ट करेगा। कब तक सपोर्ट करेगा, देखो 19 तक तो थ्रू आउट सपोर्ट करेगा, 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक आपका भाग्य आपको आगे धक्का मार के ले जाएगा। पॉइंट क्या है, मंगल भी कर्मा के घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे शुक्र और सूर्य कुछ दिन बाद एक्सचेंज करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो योग आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाले हैं। 19 अक्टूबर तक भाग्य हर तरह से सपोर्ट करेगा, 19 अक्टूबर के बाद भाग्य का स्वामी कर्म के घर में जा रहा है, तो एक तरह से यह राजयोग कारक है क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाएगा, तो यह भी स्थिति आपके लिए अत्यंत अनुकूल और श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। बात करते हैं सूर्य नारायण की, सूर्य नारायण आपके अष्टमेश हैं, चल रहे हैं भाग्य के घर में और इसके बाद जाएंगे आपके कर्म घर में 18 अक्टूबर के बाद, तो
अष्टम भाव का भाग्य के घर में गोचर करना थोड़े भाग्य में कमी तो आ रही है, लेकिन जैसे बुध महाराज यहाँ गोचर करना शुरू करेंगे वो ठीक कर देंगे। देखिए आप अपने घर में बैठे हैं, कोई और आ गया, थोड़ा दबाव तो रहता है, लेकिन आप अपने घर की स्थितियों को ठीक करके चलते हैं। तो सूर्य नारायण का अष्टमेश होके भाग्य के घर में गोचर करना थोड़ा बैक पेन, कमर दर्द, और जब ये कर्मा के घर में गोचर करेंगे ना तो आपको सावधानी के साथ चलना है। यहाँ पे नौकरी पे प्रभाव आ रहा है। देखो अष्टम क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर है, अष्टम दबाव लेता है। शुक्र भी इस समय राशि एक्सचेंज करेंगे तो इनका राशि एक्सचेंज करना बहुत अच्छा योग नहीं बनेगा। कभी कभी हरदम जो परिवर्तन योग होता है ना बहुत अच्छा नहीं होता। सिंपल से एग्जाम्पल दूं, कोई व्यक्ति दारू मास्टर है, ठीक है ना, किसी के दारू की दुकान है। अब वो आपकी दुकान पे आके बैठ जाए, आप उसकी दुकान पे जाके बैठो, तो क्या होगा, आपकी छवि खराब हो जाएगी। कोई शराबी व्यक्ति आपके घर में आके बैठे, आप उसके घर में जाके बैठो, तो आप उसके घर को बिगाड़ो या ना बिगाड़ो, लेकिन वो व्यक्ति आपके घर के माहौल को खराब करेगा। बस ऐसी ही स्थितियाँ यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है ना। तो यह जो परिवर्तन योग है, थोड़ा संभल के चलने का समय है। शुक्र को मजबूत करके रखिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा, ठीक है ना। आपके कुंडली में गुरु महाराज वक्री हैं और गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव में वक्री हैं। इस समय चतुर्थ सुख के घर में विघ्न, लेकिन गुरु शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं इसलिए गुरु नुकसान नहीं करेंगे। फिर भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करने की सोच रहे हो तो गुरु के यहाँ पे राहु गुरु की इकट्ठा होने तक आप बचिएगा। जैसे राहु और गुरु दोनों अलग हो जाएंगे, राहु महाराज जा रहे हैं रेवती नक्षत्र में, रेवती को बोलते हैं मुक्ति का नक्षत्र। इस आवाज़ें फालतू आ रही हैं, क्या करेंगे, आजकल लोग जो है ऐसे करते हैं। तो मुक्ति के नक्षत्र में जा रहे हैं, मुक्ति का नक्षत्र होने से परेशानियों से मुक्त करने वाले हैं। तो गृह कार्य में जो आपको परेशानी आ रही थी उससे आप मुक्त हो जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद गृह कार्य आपके होते हुए आरंभ हो रहे हैं, ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु कर्मा के घर में अच्छा फल दे रहे हैं। केतु महाराज भी परिवर्तित होकर भाग्य के घर में आना चाहते हैं, भाग्य की जो कपाट है उसको खोलना चाहते हैं। तो अक्टूबर का माह सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा जाएगा। आप प्रेम की स्थिति की बात करें तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दबाव तो रहेगा, खासकर नौकरी के क्षेत्र में दबाव रहेगा। देखिए तंबी नल लगा देना एक पॉइंट में, सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा जीवन में नहीं होता, और जो गोचर होता है ना 40-50% ही फल देता है, बहुत 100% फल नहीं देता, फिर भी बहुत होता है 40-50%। तो ये गोचरी स्थिति शुक्र को मजबूत करके रखेगा, शेष सब कुछ राधे राधे है।